बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड ही है, आपके लिए एक अवेयरनेस है। इस वीडियो में आपको एक हम पैगाम देना चाहते हैं जो कि एक टैबलेट के बारे में है और पाकिस्तान में बैन हो चुकी है। हमें ये नहीं पता कि वो पूरी दुनिया में बैन है, लेकिन पाकिस्तान में वो बैन हो चुकी है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही थी। वो टैबलेट स्टोमिक के मसाइल के लिए इस्तेमाल की जाती थी, स्टोमिक या मैदे की जलन के लिए, मैदे के अल्सर, तजाबियत, गैस वगैरह और बहुत से मसाइल के लिए वो टैबलेट इस्तेमाल की जा रही थी, और उसे गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया है। उसके बैन करने की मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं, लेकिन एक वजह जो बहुत ज़्यादा इसके बैन करने की वजह समझी जा रही है वो है कैंसर, यानी ये टैबलेट कैंसर का बायस बन रही थी। हाँ जी, ये टैबलेट कैंसर का बायस बन रही थी, और ये वीडियो हमें इसलिए बनानी पड़ रही है कि हम आपको ये पैगाम पहुंचा सकें, और आप हमारे इस वीडियो को देखकर ये इस पैगाम को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों या जो भी आपके जानने वाले जो मेडिसिन खा रहे हैं उन्हें ये पैगाम पहुँचा सकें, या उन्हें ये अवेयरनेस दे सकें कि ये मेडिसिन को फौरन बंद कर दें। इस मेडिसिन का फार्मूला हम आपको बता देते हैं। इस मेडिसिन का फार्मूला रेनेटाडीन है। यह हम आपको फार्मूला भी दिखा देते हैं कि ये फार्मूला, इस मेडिसिन का ये फार्मूला है। ये 150 एमजी और 300 एमजी इंजेक्शन फार्म में दस्तियाब है। पाकिस्तान में इस फार्म में दस्तियाब है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। हम इस वीडियो में किसी कंपनी को टारगेट तो नहीं कर रहे, या हम इस टैबलेट का ऐसा नाम नहीं बता रहे कि जो कि किसी कंपनी से ताल्लुक़ रखता हो। हमने इस सिर्फ आपको इस टैबलेट का साल्ट ही बताया है, और आप ये अब खुद देख सकते हैं कि अगर आपके जो भी आप या कोई और आपके जानने वाले इस टैबलेट या इस साल्ट में किसी टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उन्हें फौरन बंद करवाएं ताकि वो किसी भी परेशानी से बच सकें। तो दोस्तों, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि ये मेडिसिन क्यों बंद की गई है और पहले ये बंद क्यों नहीं की गई। तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि मेडिसिन बनने से पहले भी उस पर बहुत रिसर्च होती है। जब कोई भी टैबलेट, इंजेक्शन, सीरप या कोई भी चीज़ बनती है तो उस पर बहुत रिसर्च होती है। रिसर्च होने के बाद ही उसे इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल फिट करार दिया जाता है कि ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं है। लेकिन जब वो मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है तो उसके बाद भी उस पर रिसर्च हो रही होती है, और मुख्तलिफ मरीज़ों की या मुख्तलिफ जो पेशेंट या टैबलेट या जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी हिस्ट्री ली जा रही होती है। तो इसके बनने के बहुत देर बाद या इस्तेमाल के बहुत देर बाद देखने में आया है कि इसकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो रहे थे। तो दोस्तों, इसलिए इसकी रिसर्च के बाद ये साबित हुआ कि इस टैबलेट की वजह से भी ये मसाइल हो सकते हैं, इसलिए इसे फौरन बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपके जानने वाले या कोई और रिश्तेदार, करीबी अजीज या कोई दोस्त, बहन भाई इस टैबलेट को या इस टैबलेट में मौजूद साल्ट को जो हमने आपको दिखाया है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखकर इसमें मौजूद हमने जो साल्ट को बताया है, इस साल्ट में अगर वो कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे फौरन बंद कर दें। आमतौर पर ये मेडिसिन मैदे के अल्सर, स्टोमी के लिए, तजाबियत, जलन और गैस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, और अक्सर इसे हम सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी ये बहुत आम टैबलेट बहुत सी कंपनियां मल्टीनेशनल और लोकल कंपनियां इसे बना रही हैं, और ये बहुत मशहूर नाम से भी दस्तियाब है जिसे हम आम सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और ये टैबलेट बहुत लंबा अरसा इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ये अहम और बहुत ज़रूरी मालूमात शायद किसी की जान बचा सकती हैं।